हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंट्राडे सीरीज़ की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कल के लिए कुछ खास स्टॉक्स के बारे में कि किसमें हम इंट्राडे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आज का इंट्राडे जो सेटअप था अपना कल वाला बहुत ही अच्छा गया है। और अगर बात करें हम अपने पेड ग्रुप की, तो आप देख सकते हैं सभी कॉल यहाँ पे जो हमने आज सुबह दिए थे इंट्राडे के लिए। ठीक है, एक्चुअली ये ग्रुप जो है गाइस, मैं बताना चाहूँगा, कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर आपका पेड ग्रुप के चार्जेस क्या हैं और इसमें ज्वाइन करना कितना सही रहेगा या नहीं। गाइस, ये ग्रुप जो है वो दो भागों में बांटा हुआ है। पहला जो है वो है पोजिशनल, ठीक है, और दूसरा जो है वो है इंट्राडे। लेकिन हम जो है इसमें पोजिशनल पे ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब पोजिशनल ट्रेड ज़्यादा शेयर करते हैं। इंट्राडे अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तभी हम इसमें काम करते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं ओपलेंट ग्रुप, तो इनके जो चार्जेज हैं वो हैं 499 पर मंथ। आप इसे ज्वाइन करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पहले, जो कि है बिल्कुल फ्री। वहाँ पर 1000 मेंबर हैं जिनके साथ आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे अगर आप ओपिलेंट ग्रुप में आना चाहते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कल की कि कल कौन से स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। गाइस, हमारे पास 60-70 स्टॉक वॉच लिस्ट में है जिसपे हम डेली रूटीन में नज़र रखते हैं, और जहाँ पर हमें अच्छी ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी या फिर कोई रिसेंटली न्यू बुलिश ट्रेंड नज़र आता है तभी हम आपके साथ ये जो स्टॉक हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली ये टाइम में, नाइट के टाइम में इन वीडियो को खोलना है और इन्हें देख लेना है कि हम कौन से स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप कल के दिन के इंट्राडे की तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं और पहले स्टॉक की हम बात करते हैं कि सबसे पहला स्टॉक कौन सा है जिसको हम इंट्राडे के लिए कंसिडर कर पाएंगे और क्यों। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है ग्लेनमार्क। ठीक है, और ग्लेनमार्क एक्चुअली रिस्की स्टॉक है, आपको पता होगा अगर आप इसमें होल्डिंग बना के हुए हैं तो। ठीक है गाइस, ग्लेनमार्क की अगर बात करें तो आज का जो ट्रेंड हमें दिखा है, मतलब पीछे के सभी रेसिस्टेंट लेवल को ब्रेक करते हुए आज एक ब्रेकआउट मोमेंट हमें दिया है, अगर हम बात करें 10 मिनट यानी कि इंट्राडे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो कल जो है हम इसमें एक अप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन जो है वो रख सकते हैं। गाइस, कल के लिए इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर लगाएं और इसमें मौका मिलते ही ट्रेड लेने की कोशिश करें। हम बात करेंगे इसके ट्रेडिंग सेटअप की भी और समझेंगे कि कैसे इसमें एंट्री लेनी है, क्या टारगेट रखना है और कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। एंट्री पॉइंट देख लीजिए गाइस, आप 424 से 425। ठीक है, टारगेट जो है अपन को 430 और 431 के बीच में रखना है। गाइस, गैप को समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग क्या कहते हैं कि सर आपने जो टारगेट और एंट्री पॉइंट बताया है वो असल में इंट्राडे टाइम में दिखता ही नहीं है। गाइस, उसका रीज़न ये है कि स्टॉक जो है वो गैप अप हो जाता है या फिर गैप डाउन हो जाता है, तो आपको ये एंट्री पॉइंट नहीं मिलेंगे, आपको इनके गैप को समझ के काम करना है। ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, स्टॉप लॉस जो है उसका गैप भी आप समझ लीजिए कितना रखा है मैंने यहाँ पे। सिर्फ इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ गाइस, पोजिशनल अभी इसमें नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, गैप अप होता है अगर नियर टारगेट, यानी कि अगर इस टारगेट के आसपास ओपन हो जाता है स्टॉक, तो इसको अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो थोड़ा रिस्की भी है। बेयरिश मोमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है लास्ट 1 वीक से, आप देख सकते हो। साथ में इस नोट को एक बार ज़रूर पढ़ लें। और गाइस, वीडियो बहुत लंबी होने लगी है इसलिए मैं फटाफट वीडियो को कवर करने की कोशिश करूँगा। जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आराम से पहुँच जाएगी, अगर मैं कुछ बोलूँगा नहीं फिर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक जो लिया है वो है नाम इंडिया, और इसको लेने का रीज़न भी आप देख सकते हैं, आज बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला है यहाँ पे। प्लस अगर बात करें हम, इंडिकेटर भी सपोर्ट में है। ठीक है गाइस, इसके लिए जो मैंने डेटा चूज़ किया उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की भी है कल के इंट्राडे के लिए, क्योंकि हाई यहाँ पे आज इसने बना दिया है, और हो सकता है कल अगर ये बुलिश ब्रेकआउट दे दे, मतलब ये जो सपोर्ट लेवल है उनको तोड़ के ऊपर की ओर बढ़ता है तभी इसमें इंट्राडे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, अदरवाइज नहीं करना है इसमें। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इसको भी अवॉइड कर देना है। और ये इसके डेटा को देखते हैं और समझते हैं कि कौन से लेवल में इसमें एंट्री हमें लेनी है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है। एंट्री पॉइंट जो है गाइस आपको लगाना है 298 से 299 के पास। ठीक है, इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है अभी 290 के आसपास। अगर ये हाई बनाता है और अपने सभी रेसिस्टेंट को तोड़ते हुए 290 के ऊपर जाता है नॉन स्टॉप सुबह मार्केट खुलते ही, ठीक है, या फिर अगर गैप अप ओपन हो जाता है और इस प्राइस पॉइंट को क्रॉस कर देता है एंट्री पॉइंट को, तो इसको आप इंट्राडे के लिए कंसीडर जरूर करिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है नोट में, आप पढ़ सकते हैं कि करंट प्राइस पॉइंट इज नियर 10th जुलाई ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है, मतलब 10 जुलाई के प्राइस पॉइंट का जो है उससे सिमिलर है अभी का प्राइस। एंड जस्ट फोकस ऑन द डेटा वी हैव मेंशन अबव, यानी कि ये जो डेटा है उस पर नजर रखनी है आपको। यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर ये स्क्रिप्ट जो है वो गैप अप ओपन हो जाती है टुमारो, देन यू कैन गो फॉर इंट्राडे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, अदरवाइज अवॉइडेड भी लिखा है मैंने, यानी कि इतना हाई में नहीं खुलता है तो इसको अवॉइड कर देना। यहाँ पे लिखा भी है कि इट शुड बी 298 प्लस फॉर इंट्राडे। ठीक है,
तो ये क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक होते हैं गाइस। ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जो है वो और अप ट्रेंड हमें देखने को मिलती है प्राइस में, क्योंकि इसको सभी लोग फॉलो करते हैं जितने भी इंट्राडे में काम कर रहे होते हैं, तो हमें भी सभी के साथ काम करना होता है और कभी कभी हमें सभी से अपोजिट भी काम करना होता है। उसके भी टाइम होते हैं, उस मोमेंट में हमें वैसे भी काम करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो लाइव मार्केट में जो है उसको देखना पड़ेगा। मैं अभी आपको वो चीज़ें जो है वो शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के लिए अच्छा है स्टॉक, नाम इंडिया बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। गैप डाउन ओपन होता है तो इसको अवॉइड कर देना है, बिल्कुल इसमें हाथ नहीं लगाना है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर गैप अप होता है तभी ये स्टॉक आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है कल के दिन के लिए। गाइस यहाँ पे तीसरा स्टॉक हमने जो लिया है वो है माइंडट्री, और आज इसमें बहुत ही अच्छी कमाई की है अपने पेड ग्रुप वालों ने। जैसा कि पेड ग्रुप वाले कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी आज के दिन में, और फिर हुआ क्या, मार्केट जो है वो अच्छे अप ट्रेंड में देखने को मिला क्लोजिंग टाइम तक। लेकिन गाइस अगर बात करें माइंडट्री के पिछले ट्रेंड को अगर आप देखें तो हर रोज़ ये अपना लोअर बना रहा है और आज इसने एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया। होता क्या है स्टॉक में, सुबह के टाइम में अच्छी अप ट्रेंड दिखा देता है, फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में जाता है। ओके, तो आज इसने जो हाई बनाया है आप देख सकते हैं, आज अभी 1020 के आसपास बनाया, फिर क्लोजिंग टाइम में वापस फॉल हुआ वो और आ गया 1011 पे, ठीक है। तो कल इसमें अगर गैप अप हो जाता है फिर भी आप इसमें शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है शॉर्ट सेल के लिए, आप इसमें ज़रूर हाथ आजमाइएगा, उम्मीद है आपको इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट होगी। आइए देख लेते हैं इसके डेटा को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको रेड कलर में लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी की। एंट्री पॉइंट और टारगेट को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस के गैप को भी नज़र में रख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये गैप में आप स्टॉप लॉस लगाएं। सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म और ये पोजिशनल ट्रेड में इसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है खास वाली, ठीक है। गैप डाउन अगर हो जाता है नियर टारगेट, यानी कि टारगेट हमारा है 1002, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1011 है, अगर बाजार खुल के 1002 पे आ जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ, से 4 रुपये की प्रॉफिट के लिए आप तब भी इसमें शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ पाएंगे, लेकिन ज़्यादा लालच जो है हमें इसमें नहीं दिखाना है। माइंडट्री बहुत अच्छा स्टॉक है शॉर्ट सेलिंग के लिए, ठीक है गाइस। यहाँ पे नोट को आप पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी इसकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और बात करते हैं कि अगला स्टॉक कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगला स्टॉक हमने जो लिया है वो है ICICI सिक्योरिटी, ठीक। तो इसको लेने का रीज़न ये था गाइस, आज 16 तारीख का आप डेटा देख लीजिए, आज इसने बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड हमें दिखाया है और साथ में डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है क्लोजिंग टाइम तक, ठीक है। तो गिरते गिरते स्टॉक जो है वो ये प्राइस पॉइंट तक आ गया है 545 के आसपास, और आज इसने हाई बनाया था आप देख सकते हैं 570 के आसपास, ठीक है। तो पूरी उम्मीदें जो है हमें देखने को मिल रही है, क्लोजिंग टाइम में हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिली है जो कल के दिन में एक अप ट्रेंड हमें दे सकती है। कल अगर गैप अब भी ओपन हो जाता है तो ICICI सिक्योरिटी एक अच्छा स्टॉक है गाइस। ये हमारे पेड ग्रुप का पोजिशनल ट्रेड था जिसके सभी टारगेट जो हैं वो अचीव हो गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आगे और भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और कल के लिए इंट्राडे अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक जो है वो साबित हो सकता है। चलिए गाइस देखते हैं इसके डेटा को और समझते हैं कि कौन से गैप में इसमें हमें काम करना है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ICICI सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं और एंट्री पॉइंट आप देख लीजिए, साथ में टारगेट को एक बार देख लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 538 से 537 रहना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे के लिए बात हो रही है। अभी पोजिशनल के लिए अच्छा नहीं है स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी इसके हमारे टारगेट जो थे जो हमने दिए थे पेड ग्रुप में वो हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें पोजिशनल ट्रेड लेना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इवेल्यूट करके आपको ज़रूर बताऊंगा। अवॉइड इफ में मैंने नॉट अवेलेबल लिखा है क्योंकि स्टॉक जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, आप इसमें इंट्राडे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर ये क्राइटेरिया आपके मैच हो जाए तो, ठीक है। यहाँ पे नोट लिखा है उसको एक बार ज़रूर पढ़ ले, मैं हर एक स्टॉक में बोलता हूँ कि नोट को रीड किए बिना आगे बिल्कुल ना जाइए, ठीक है। नोट आपको बहुत कुछ बता के जाएगा कल की तैयारी के लिए। तो गाइस हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक की जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। और इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, जस्ट हमें वेट करना है इस पॉइंट के ब्रेकआउट का, यानी कि प्राइस पॉइंट ब्रेकआउट के पास में ही है। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस इंट्राडे ट्रेड लेने की, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके डेटा को डायरेक्ट, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है चार्ट पे समझाने की, इसको सभी इवेल्यूएट करके ही हम आपके सामने लाए हैं। तो आपको डेटा देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से गैप में आपको काम करना है। चलिए देखते हैं इसके डेटा को। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं LIC की पूरी डिटेल हमने लगाई है, तो यहाँ पे सब डेटा जो है उनके गैप को आप समझ लीजिएगा और इन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा, साथ में नोट्स को भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बात हो गई सभी 5 स्टॉक की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। गाइस उम्मीद है ये वीडियो सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो इस वीडियो सीरीज पे प्रॉफिट बुक करते हैं वो वापस आके इस पे कमेंट जरूर करें, ताकि नए लोग जो हैं उनको ये पता चले कि यहाँ पे इंट्राडे की बहुत अच्छे स्क्रिप्ट जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। साथ ही उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग मार्केट में नए हैं वो इंडियाज नंबर 1
वन ब्रोकर जो कि ज़ेरोधा है, इसके साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप ज़ेरोधा के साथ अकाउंट खोलते हैं और यूडी ट्रेड के लिंक से खोलते हैं, तो हमारे आने वाले जो पेड प्लान्स हैं उसमें हो सकता है हम आपको कुछ ऑफर दे दें कि जितनों ने हमारे लिंक से अकाउंट खोला है उसको एक मंथ या वन एंड हाफ मंथ हम फ्री कॉल्स भी दे सकते हैं इंट्राडे के, ठीक है। उसकी तैयारी जो है वो चल रही है, अभी इतना जल्दबाजी में नहीं है। पहले कुछ लोग अकाउंट खोल दें ज़ेरोधा का हमारे लिंक से, फिर हम ज़रूर ये एक प्लान जो है वो लेके आएंगे। तो ज़ेरोधा में अपना अकाउंट ज़रूर खोल दें गाइस, ब्रोकरेज बहुत कम है। चलिए गाइस, मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।